हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी क्रिस्पी चटपटे करेले की सब्जी। इसके लिए हम आवश्यकता अनुसार करेले लेंगे, उनको लंबे स्लाइस में कट करके गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे करेले की सब्जी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। गैस का फ्लेम हमें कम रखना है। जब हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई में तेल ज़्यादा है तो आप इसको निकाल सकते हैं और बाकी बचे हुए तेल में हम एक चम्मच सौंफ डालेंगे। जब हमारी सौंफ अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे, लंबा कटा हुआ, और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे। प्याज को हमें लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले प्याज में मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ करेला भी मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक हमारा सारे मसाले तेल ना छोड़ दे तब तक। हमारी सब्जी ने तेल छोड़ दिया है और हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें आमचूर पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हमने इन्हें बिना छीले हुए ही फ्राई करा था। अगर आप चाहे तो छील के भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारी करेले की सब्जी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।